सर बहन अरे तांगा उठाओ यार शादी उसको बोल तांगा उठाओ अरे अरे तांगा उठाओ पहले अच्छे अच्छे आंखें खोल अच्छे जख्म दो तरह के होते हैं, एक वो जो भर जाते हैं और दूसरे वो जो इंसान को बदल डालते हैं। अपन को भी वक्त ने कुछ ऐसे ही जख्म दिए जिसने अपन को बदल डाला। कोलसा मोहल्ले की गुमनाम रेशमा को शोले वाली रेशमा बना डाला। मैं तो उस जमाने में एकदम छोटी सी थी, पर मेरे को याद है बहुत बुरा जमाना था। खाने पीने के वांदे हो गए थे, सरकार ने सादे चावल पर रोक लगा दी थी और उसकी स्मगलिंग चालू हो गई थी। अम्मी। चोरी करती है, हाँ, स्मगलिंग करती है, तू? ए साहब, हाथ नहीं उठाने का मेरी अम्मी पे, मुंह से बात करने का, नहीं तो? नहीं तो क्या? क्या करेगी तू? बोलना, क्या करेगी? मैं आपको बद्दुआ देगी साहब, कीड़े पड़ेंगे आप पे। कीड़े पड़ेंगे? बहुत चर्बी है ये, क्या तेरे को? चल हाँ। ए जादव, टका दिला गाड़ी। ए फुटकी, ए फुटकी, इधर आ, इकड़े इकड़े। दो दिन से मैं तुझे यहां देख रहा हूं, तुझे कुछ भूख वगैरह नहीं लगती क्या? रोटी वोटी नहीं खानी? चल ठीक है, तेरी माँ को भी साथ में लेके जा, और याद रख फिर से चावल की स्मगलिंग नहीं करने की, हाँ, वरना अगर आइंदा पकड़े गए ना तो दोनों को इतने लंबे समय के लिए अंदर डालूंगा ना। चावल की स्मगलिंग करना गुनाह है, पता है ना तुझे? अम्मी, अम्मी, जैनब, 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 क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हुआ? वो अब्बा को, अब्बा को क्या हुआ? अब्बा को क्या हुआ? अब्बा को? भाभीजान, भाभीजान आप कहाँ रह गई थी? आदम भाई को चक्कर आ गया था, वो गिर गए, उन्हें अस्पताल ले गए हैं बस थोड़ी देर पहले, अब जल्दी जाइए जाइए। चल 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 चल। सुनिए, मेरे शौहर यहाँ एडमिट है। नाम? आदम। आपा? कुछ नहीं। हाँ, जो आखिरी वार्ड है ना वहां पर। जी शुक्रिया, बैठो बैठो बैठो। जैनब, मैं अभी आई। दो मिनट। हाँ।
रेशमा देख, मुझे तेरे अब्बा के साथ यहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा। तू बच्चों को संभाल लेगी ना? अम्मी जुबान से कुछ नहीं बोली, मगर उनके आंसुओं ने समझा दिया था कि अपन को अब नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, अपनी भी और अपने छोटे भाई बहनों की भी। सलामत रहो। आपा, मेरे को भूख लगी है। अभी अम्मी तो नहीं है, खाना कौन देगा? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वेज टाइम पे अपन ने सोच लिया, अगर जिंदा रहने का है तो सोच भी बदलनी होगी और काम करने का ढंग भी। चल मेरे साथ। ये दुनिया का बाजार भी बड़ी अजीब जगह है। यहाँ हर चीज उनको मिलती है जिनकी जेब में पैसा हो। देखो देखो तमाशा देखो, बाउली फेंको तमाशा देखो। क्या हिम्मत कर रही है, कमाल कर रही है। फेमस स्टूडियो चलने का है, गाड़ी निकाल। एक मिनट साहब, छोकरी अभी कमाल करके दिखाने वाली है। पैर तुड़वाएगी क्या? अरे साहब, अब टूटने के लिए बचाइज क्या है, पैसा फेंको करामत देखो। चल आपा। चलो चलो सब चाराना निकालो, चाराना चाराना चलो सब चाराना निकालो। और क्या कर सकती है? साहब, पूरे 2 रुपए दे रहे हो, अब छुट्टे काट के पैसे वापस करूं क्या? नहीं, पूरा रख ले। ये जो तू सड़कों पे तमाशा दिखाती है, तेरे अब्बा को मालूम है क्या? आपकी बेटी में बहुत हुनर है आदम भाई, अगर आप चाहें तो मैं बात कर सकता हूं। देखिए, हमारे एक्शन की बिरादरी में ऐसी डेयरिंग वाली लड़की कोई है ही नहीं। सारी हीरोइन का एक्शन लड़के करते, अगर ये आ गई ना हमारी बिरादरी में तो आदम भाई बहुत नाम कमाएगी। पैसे मिलेंगे वो अलग। पैसा मिलेगा? कितना मिलेगा? तुझसे किसी ने पूछा? अब्बा जरा सुनो ना, अपन चुप बोला ना तेरे को। आपकी बड़ी मेहरबानी है आजिम भाई, लेकिन मेरे को इसे फिल्म लाइन में नहीं भेजने का है। बहुत बुरी बुरी बातें सुनी है उस लाइन के बारे में, वो शरीफ लोगों की जगह नहीं। अरे वो जमाने गए आदम भाई, अब लड़की की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए। और फिर लड़की जात है, हाथ पाँव तोड़ के बैठी तो निकाह के लिए कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अरे आदम भाई, गरीब की बेटी के हाथ पर हो तो भी कौन पूछता है? ठीक है, आपकी मर्जी,
लेकिन अगर आपका इरादा बदले तो याद कीजिएगा, अगले 10 दिन में SL स्टूडियो में शूटिंग कर रहे लाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। अब्बा, घर पे कोई खाना लाके देने वाला थोड़ी है, मेरे को जाने दो ना, 4 पैसा कमाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा ना। बोला ना तेरा काम फिल्म लाइन में जाने का नहीं है, मैंने मौलवी साहब को बोल के रखा है, कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो तेरा निकाह कर डालूंगा बस। अपन घर से चला गया ना, ये जो 4-8 आने घर में आते हैं वो भी आना बंद हो जाएगा, फिर तुम देख लेना। चुप, जुबान चलाती है, जिसने मुंह दिया है वो खाना भी दे देगा, समझी? जुबान मत चला। सुनिए तो, तूने ही खराब किया सबको, तूने ही बिगाड़ा है सबको, खराब किया तूने ही। साला 4 दिन अस्पताल क्या गया, अब भाई समझ लगे मुझे, अभी भी काम कर सकता हूं। सबका क्या लग सकता हूं, सबको पाल सकता हूं अभी भी। अब्बा क्या बोल रहे थे, काम करूंगा, उठे तो उठा भी नहीं जा रहे, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। देख अम्मी, अभी मैं जवान हूं, हाथ पैर मार सकता हूं, अगर 4 पैसा कमाऊंगा तो अब्बा ठीक हो जाएगा ना, फातिमा शफी की भी पढ़ाई हो जाएगी। तू जानती है ना तेरे अब्बा को, एक दफा ना बोल दिया तो ना बोल दिया, तू छोड़ ना मगज मारी, मैं 2-4 घर और ढूंढ लूंगी झाड़ू पोछा के लिए। तू और कितना काम करेगी, ऐसे ही तू इतने घरों में काम करे लिए, इससे अब्बा की नाक नीचे नहीं होती क्या? अरे अम्मी देखना, हमारे कुरान में लिखा है ना, अगर खाने को कुछ नहीं हो तो हराम भी हलाल हो जाता है, लिखा है ना। बेटा तेरे अब्बा भी तो गलत नहीं है ना, वो भी तो कहते हैं कि अच्छे घर की लड़कियों की इज्जत, इज्जत इज्जत भूख से बड़ी है क्या? रेशमा धीरे, एक दिन अब्बा अल्लाह मियां के खाते में जमा हो जाएंगे और तू भी कमती हो जाएगी, तो फिर मैं और ज़ैनब क्या इज्जत की चटाई बिछा के अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे? कुछ भी बोलती है, कुछ भी बकती है। अम्मी तू समझाना अब्बा को। हाँ सो जा, कल एक नया दिन है। अम्मी यही है SL स्टूडियो। कहाँ जाना है? वो अजीम जी ने बुलाया है। शुक्रिया। ठीक है और कैमरा मैन सीधे ऐसे चार्ज करेगा उसी में कट, और जैसे ही जी, जी। अरे भाभी आप यहाँ, क्या बात, आदम भाई ने आने दिया, सलाम, कमाल हो गया। अरे सोहेब तो चेयर ले गया, साजिद मेरे को यहाँ गिरना है, यहाँ बैठो बैठो बैठो। अम्मी बैठ, कुछ ठंडा कॉफी चाय हाँ कुछ तो पीना। अरे तो ठंडा ले गया, आप लोग बैठो मैं शॉट लेके आता हूँ। अगर वो इधर होता है दादा, आप फेस पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिएगा, बॉडी मूवमेंट, और जैसे ही नीचे कैमरा टिल्ट, ओके? हाँ, ओके सर। वी आर गोइंग फॉर द शॉट, लाइट्स, नागरा, जिंदगी कैमरा।
मैडम भूतनी के क्या कर रहा है भाई तू? दसवा टेक है ये, दसवा। हमारे पास इतने मैगजीन नहीं पड़े हैं साजिद, कर पाएगा तू? सर नहीं तो सुन सुन, नहीं कर पाएगा तो मैं किसी और से करवाता हूँ, बोल। अरे अरे सर, वो स्टेज भी घूम रहा है और उसमें हिला हिला के नाचना भी है, सही मार्क पे भी आना है, मुश्किल है सर। अभी जरा इधर उधर हुआ मेरी टंगड़ी जाएगी और सर आपकी शूटिंग रुक जाएगी महीने भर के लिए। और फिर सर आपको कौन मिलेगा मेरे अलावा हीरोइन का डबल करने के लिए? हाँ हो जाएगा सर, आप बैठिए ना उधर। लुखे से विक संभाली नहीं जाती, बातें बड़ी बड़ी करता है। सच में दूसरा कोई मिलता है ना, अभी खटिया पे डाल देता हूँ उसे। तो डाल दो ना खटिया पे सर। है किसी और को लेते हैं। कौन? देखिए मैं किसको लेके आया हूं। इसी के बारे में आपसे जिक्र किया था सर। कर लेगी ये? उस बैल पे 10 टिक खर्च किए ना, एक दो इस पे भी खर्च करके देख लेते। अरे इतना गाय को टाइम लगा रहे हैं लोग। अरे सर मैं रेडी हूं, जल्दी टेक लो, ये विक का गम भी छूट रहा है और निकल रही है। निकलने दे निकलने दे, तू भी निकल और कोना पकड़ के बैठ जा, समझा? लक्ष्मी जी का डबल ये करेगी। साजिद एक पुराना फाइटर है, वो नहीं कर पाया तो ये कर पाएगी? मेरे को तो पता ही नहीं है क्या करने का है। अरे वही बेटा जो डायरेक्टर बोलेगा वो बता देंगे ना। तू टेंशन मत ले पूरी, अभी क्या है ना, तू आदमी लोग का काम करने जा रही है। हाँ। तो आदमी लोग के जैसे हिम्मत बांध ले। हाँ। ठीक है चल, अभी ये पहनने का और बॉडी छुपाने का। ये किधर पहनते हैं? हाथ में पहनने का। नहीं रे पूरी, उतार इसे। देख इसे ना मोजा बोलते हैं, इसे पूरे पैर पे चढ़ाने का, समझी? हाँ। अभी क्या है ना, तू लड़की है, शॉट में उड़ी छुड़ी मारेगी और अगर तेरा ड्रेस उड़ गया तो सीरियस सीन कॉमेडी बन जाएगा ना। अरे वो नई छोकरी रेडी है तो उसको भेजो ना, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं उसको, शॉट भी रेडी है। ओके सर भेज रहे हैं, चल जल्दी तैयार हो जा। गुसलखाना किधर है? गुसलखाना मतलब बाथरूम। हाँ। अरे अगर ये तू बाथरूम के चक्कर में पड़ेगी ना तो डायरेक्टर पैकअप कर देगा, जा इधर इस बदल ले। इधर इच? लेकिन हाँ इधर इच। देख अभी क्या है ना, ये फिल्म लाइन है, इस लाइन में शर्माने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, समझी? जल्दी जाओ और चेंज कर, डायरेक्टर सर बुला रहे होंगे। अरे जाना जल्दी, शर्माने का नहीं। ए कमला इसे पेटी में डाल। अरे क्या कर रही है वो, पर्दा खींच और बदल कपड़े जल्दी, वो डायरेक्टर चिल्लाएगा मेरे पे। अरे आप क्यों फिक्र कर रही है भाभी, कुछ नहीं होगा, आप आराम से बैठिए, शूटिंग देखिए। जी जी। लीजिए आ गई। आजा। ये तेरा मार्क है, इधर थोड़ा, कैमरा उधर है, एक्शन पे ही घूमेगा, ठीक है? हिलने का नहीं है, चेहरा छुपा के रखने का, मार्क पे आके जैसे ही पहिया रुकेगा ना बिंदास उड़ी मारने का, ठीक है? कर पाएगी? हाँ हाँ थोड़ा सा। हाँ, लेफ्ट पीछे वाली डांसर उसको। अरे सर कहे बेचारे के हाथ पर तोड़वा रहे हो सर। सर जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे सर। सर मेरी मानो तो सर नहीं कर पाएगी सर। तू चुप रहेगा,
चुप रहेगा वरना लात मार के बाहर निकाल दूंगा। चुप एकदम। चलिए आजम भाई। रेडी सर। आ जाइए चलिए चलिए। ऑल द बेस्ट। चलिए रेडी सभी को साइलेंस करवा। टेक टेक सर। रेडी। लांता सुभान का इन्हें कुंतो मिला। वी आर गोइंग फॉर द शॉट। या लाइट्स नागरा। दिल में मेरे आना जाने कर देख ले। रोल कैमरा। परफेक्ट है सर। परफेक्ट। करेक्ट। करेक्ट। बाको वंडरफुल वंडरफुल। नाउ कम ऑन कम ऑन बैटरी। फिल्म का सेट कितना अच्छा था ना मम्मी। बहुत सुंदर। हाँ, मेरे को बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ घर में तो बिरयानी बना दो। हाँ बनाती हूँ। अब्बा। रिश्मा। अब्बा हमें की कोई गलती नहीं है। वो अपने तू लेके गई थी तेरी हड्डियां गई थोड़ी सब मेरा नाम आदम नहीं हड्डियां तोड़ दूंगा तेरे तू हट जा यहां से बेटी को बाजार में बेकार ले गई थी आराम जाने पर हड्डियां तोड़ दूंगा अब्बा आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया है। ये आराम की कमाई नहीं है अब्बा। ये मैंने मेहनत से स्टंट करके कमाया है। हाँ। देखो ये लो अब्बा। ये दिन भी देखता था आदम भाई को अपनी बेटी की कमाई। क्या भाई क्या इमोशनल ड्रामा कर रहे हो। आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी बेटी ने जो किया ना बहुत के बेटे नहीं कर पाते। अब्बा लंबी रेस का घोड़ा है आपकी बेटी। पूरी बिरादरी में एक ही छोकरी है जो एक्शन करती है। अब सब हीरोइन का एक्शन यही करेंगी और इतना पैसा कमाएंगी कि आपका गिनना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अंदर चलिए। आज से तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है बेटा। आज मैं तुझे एक गुरु मंत्र देता हूं। दुनिया में हर चीज को चमकने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं होती है। जिसको चमकना होता है वो अंधेरे में भी चमक जाते हैं। समझी नहीं समझी। मतलब तेरे हुनर की कीमत है तेरे शक्ल की नहीं। स्टार का चेहरा और तेरा काम। जितना अपना शक्ल छुपाएंगी उतनी ही ऊपर जाएंगी। और जिस दिन कैमरे के सामने अपना शक्ल दिखाने की सोचेगी सब खत्म।
सच बोलूं तो अब लगने लगा था अपन की भी कोई औकात होगी, लोग अपन को भी पहचानेंगे। मगर अपन वो आग थे जो सोने को तपाकर कुंदन बना डालते हैं और आग का कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। यहाँ लगा कसके बांध और यहाँ पूरी गली में आग लगेगी और तेरे को आग से निकल के भागने का है, कर लेगी ना? जी गुरुजी। शॉट फायर टेक वन एक्शन। भाग रही है, तेरे आगे पांच गुंडे भाग रहे हैं, सामने कांच आ जाता है, तू तोड़ के निकल जाता है। कर लेगी ना? जी गुरुजी। रोल साउंड, रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। हेलो रेशमा, कल तीसरे माले से कूदने गए, कर लेगी ना? जी गुरुजी। अरे यार, कट इट, शॉट में जान नहीं है। रेशमा मजा नहीं आ रहा, ताकत नहीं है, कुछ खाया नहीं है क्या? अरे कुछ दे यार इसे खाने को। दिमाग खराब, ये ले थोड़ा पी ले, बहुत तप रहा है आज। अरे पी ले ना थोड़ा सा। ओ तो तूने रोजा रखा है क्या है? अरे पागल, ईमान अपनी जगह है, इतनी दौड़ धूप में तेल निकल जाएगा तेरा, मर जाएगी तू। चल अपना काम करना। अच्छा, यहाँ तो सब भलते ही लोग मजा कर रहे हैं, धूप में मरेगा कौन और नाम होगा किसका? हीरोइन 40-40 रिटेक लेती है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। आपसे दो रिटेक क्या हो गए, इतना सुना के गया आपको? रेशमा प्रोड्यूसर गरम हो रहा है, मेरे सीन खराब मत कर। सर आप बिल्कुल सही थे, इसने सच में कुछ नहीं खाया सर, इसने रोजा रखा हुआ है। सर आपकी फिल्म खराब हो रही है, अगर इसने पानी पी लिया इसका ईमान खराब हो जाएगा। रेशमा तेरे को सीन करने का है कि नहीं? करने का है सर, अगर इस बार नहीं हुआ ना अपन खुद निकल जाएगा। ओके चलो रेडी। बात है रेशमा, क्या शॉट दिया, बहुत बढ़िया। टैक्सी। अरे यार रोज का यही मच मच। घर कहाँ है आपका? क्या मेरा मतलब आपको जाना कहाँ है? कौलसा मोहल्ला। वो तो बहुत दूर है, आसानी से टैक्सी भी नहीं मिलेगी। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। पैर सलामत है मेरे, मैं खुद चला जाऊंगा। चला जाऊंगा? आप मर्दों की बोली बोलती हैं। नया आया है क्या?
मास्टर जी ने चांस दिया है, दो चार स्टंट मैं भी कर लेता हूं। इफ्तारी करने मेरे यहां चलेंगी? क्यों, मेरे घर में लोग नहीं है क्या? ये आप हमेशा इतने गुस्से में रहती है, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। टैक्सी। अल्लाह हाफिज। अच्छा वक्त आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अपन के घर में भी खुशियां आ गई थी। हर रात दिवाली की रात और हर दिन ईद का दिन लगता था। अब्बा के चेहरे पर इतनी खुशी पहले कभी नहीं देखी थी, ना अम्मी की आंखों में ऐसी चमक। मगर अच्छा वक्त सदा साथ नहीं रहता। चांदनी के पीछे पीछे अमावस की काली रात भी तो होती है। अपन के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। देखना देखना, आराम से। ये जो अपन जिंदगी से लड़ रहा है ना, ऐसी लड़ाइयां अपन ने बहुत बार लड़ी है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आ गई अम्मी। ज़ैनब, अब्बू कैसे हैं? ठीक है ना? वो भी उन्हें कुछ ठीक है? ठीक है, रात को बस थोड़ी परेशानी हुई थी, अब बिल्कुल आराम है। अम्मी, अरे ये बच्चे लोग स्कूल क्यों नहीं गए? वो स्कूल की फी नहीं भरी है ना, तो सब फोकड़िया कह के चिढ़ाते हैं। मुझे नहीं जाना स्कूल। मुझे भी नहीं जाना। देखो बेटा, रेशमा अपा कमाने गई है ना, तुम्हारी फीस भी दे देंगी वो। क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। आपा से इसका जिक्र नहीं करना। तूने कुछ खाया पिया? एक काम कर, किराने की दुकान पर जा और अनाज लेके आ जा, जा। अम्मी, वो चाचा उधार देने से मना कर रहे हैं। पहली उधारी चुकाओ करके अड़े हुए हैं। अब तुम ही जाके बात करो उनसे। थोड़े से दिन की बात है, पहले ये स्ट्राइक और मेहरा साहब की फिल्म भी आगे निकल गई है। एक काम कर बेटा, दुकानदार के पास जा, चाचा को बोल 3-4 दिन में हम पैसा चुकता कर देंगे, ठीक है? जा। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी, वो चाचा है ना, वो बहुत बदतमीज है, हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं और किसी के भी सामने कुछ भी अनाप शनाप बक देंगे। अम्मी, रेशमा सुन। क्या चाचा, दीन धर्म पूड़िया में बांध के बेच दियो क्या? उधार सामान देने से काई को मना कर दिया? अरे इंसान आज नहीं तो कल पैसा दे देगा ना, तुम इतना झिकझिक काई को कर रहे हो? वाह रेशमा, तू तो ऐसे पटेली दिखा रही है जैसे कुछ मेरे पास जमा करकू गई है। मेहरबानी करना छोड़ दिया है मैंने, आगे तेरे को सामान चाहिए तो पहले पिछला हिसाब चुकता कर। अरे मैं इधर इच रहने ला, मैं किधर भाग के नहीं जा रहे ला है।
अरे चचा, कल को मेरा पैसा आया ना तो तुमसे सामान लेना मैं बंद कर देगा। हाँ मत ले, निकल ले इधर से। अरे चचा सामान दे दो ना, इतना काई कुभाव खा रहे ले हो। हेलो रेशमा, है क्या? कौन रेशमा? इधर कोई रेशमा रेशमा नहीं रहती है। हेलो, मैं इस रेशमा बोल रहा है सर, आप कौन? मैं शंकर बोल रहा हूँ, अजय मास्टर ने तुम्हारा नंबर दिया। अच्छा सलाम साहब। हाँ वही मेरे गुरुजी हैं, बताइए। वो मद्रास में एक शूट होने वाला है, तू करेगी क्या? अरे साहब क्यों नहीं करेगा, वही तो मेरा काम है सर। कैसे जाना है? कल बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन है तेरी। ट्रेन पर ईस्टर्न में लोग तो फ्लाइट से जाते हैं ना सर। अभी जैसा भेज रहे हैं वैसे जाने का तो बोल। नहीं साहब, आप जैसे बोलोगे वैसे ही जाने का। ठीक है साहब। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाना। काम आ गया ना, पैसे भी आ जाएंगे, सामान दे दो ना चाचा। चल जा, भिजवाता हूँ। सुबह सुबह आके दिमाग खोटी कर दिया। फोकस लो, उधर जाके चेक करो मीटर। ओके अन्ना, ओके जाओ जल्दी जा। नीता जी, हमारी कल किसी से लड़ाई हो गई। किससे? चांद से। जी जी, आसमान में चमक चमक के हमें बहुत परेशान कर रहा था। हमने भी गुस्से में आके कह दिया कि कल नीता जी को आपके सामने खड़ा कर देंगे, फिर आपकी सारी हेगड़ी निकल जाएगी। क्या पाओगी? कोशिश करेंगे आपके चांद से दीदार करने की। टांडा सर, ठीक से देख। थैंक यू सर। सर वो स्टॉक खत्म होने को है, ये लास्ट रोल है, ये स्टंट आज का आज खत्म कर दो सर, कल स्टॉक आ जाएगा बॉम्बे से, ये हो जाएगा ना। टेंशन लेने का नहीं स्वामी, ये शेरनी है रेशमा, समझा? चल चल। थैंक यू सर। रेशमा को लेके आ। हाँ हाँ, मैं थोड़ा हीरो को समझाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ए रेशमा, अभी देख समझ क्या हो रहा है। हाथ मत लगा। क्या हो रहा है देख, अभी इस सीन में गुंडे हीरोइन का पीछा कर रहे हैं, ठीक है ना? तुझको यहाँ से इस ब्रिज पे उड़ी मारने का, ठीक है ना? लेकिन उड़ी जैसे मारेगी तेरा हाथ फिसल जाएगा, तू एकदम ऐसे स्ट्रगल करेगी, डरने का नहीं, ठीक है ना? उसके बाद नीचे क्या होगा, नीचे एम्बेसडर आएगी और तू लटकी रहेगी और उसी बीच में हीरो आके तुझे बचा लेगा, ठीक है? समझ में आया? समझा दिया? हाँ सर समझा दिया सर। चल ठीक है, कर लेगी ना। जी गुरु जी, हो जाएगा। मैं शॉट लगा के आता हूँ। ठीक हूँ। ठीक है तू? चला। अरे क्या इतना कम? क्या इतना कम? अरे इसको पैसा बोलता, तेरे नॉर्थ में नहीं मिलता क्या? इतना ही मिलेगा, ये ले और निकल। अरे पर तू कौन है रे जंडू? उंगली भर का काम के लिए पुरात का पैसा लेके जाएगा क्या? अरे निकल बाबा, आओ तुम आओ। आदाब सर। नाम लिखो इसका। साहब मेरे को लगता है गिनने में कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, ये पैसा थोड़ा सा कम है, मेरे को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए जी? जो रेट पे बुलाता वही रेट देता तुमको। साहब मैंने स्टंट मैन का काम किया है, आप मुझे जूनियर आर्टिस्ट वाला रेट दे रहे हो, ये गलत है ना, मेरे को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। अरे क्या चाहिए चाहिए चाहिए, सबको इतना ही पैसा मिलता, तुम जूनियर आर्टिस्ट के साथ में आया ना तो जूनियर आर्टिस्ट का पेमेंट मिलेगा, सबको इतना ही पेमेंट मिलता। अभी ये लेने का तो लो, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो, चलो निकलो इधर से। चलो, ए, चलो, चलो तुम्हारा नाम बोला, जल्दी जल्दी आओ, पैसा के बारे में बोलने का नहीं।
ले, तू तो रेडी नहीं हुई? शॉट रेडी है? चल रेडी होके आ जा। नहीं गुरुजी। नहीं मतलब? कभी सुना नहीं तेरे मुझसे? नहीं माफ करना गुरुजी, पहली बार नहीं बोला। ये सब कुछ इस छिछोरे शंकर के वजह से है। पहले मेरे को स्टंट के लिए बुला रहा था, फिर पता नहीं क्या हो गया, स्टंट का कैंसिल करके मेरे को जूनियर आर्टिस्ट के लिए बुला लिया। बोला कि पैसा जूनियर आर्टिस्ट वाला मिलेगा, तो ठीक है ना, काम मुझसे जूनियर आर्टिस्ट वाला करवाओ। काम मैं स्टंट वाला करूं, जान मैं जोखिम में डालूं और इनकी जेब गर्म होएगी? नहीं गुरुजी। करना पड़ेगा, ऐसा कैसा नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो तुम्हारा जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड कैंसिल करवा देगा। ठीक से बात कर सर, मुझे लगता है आपके प्रोडक्शन वाले कुछ लोचा कर रहे हैं। पैसे बचाने के लिए बच्ची को जूनियर आर्टिस्ट का पैसा दे रहे और काम करा रहे स्टंट वाले का। मैं कब नहीं बोला, ये स्टंट मैन का कार्ड दिखाना ये छोकरी और स्टंट मैन का पेमेंट लेना। अरे तो स्टंट एसोसिएशन में छोकरी का भर्ती नहीं हो रहा है ना, इसलिए तो लफड़ा हो रहा है। सर बच्ची जान जोखिम में डाल रही है तो पैसा मिलना मांगता है ना सर। आप ठीक कह रहे हैं अजीम भाई, प्रोडक्शन वालों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ये क्या गड़बड़ कर रहा है। अब प्रोडक्शन की जगह इसको स्पॉट बॉय का पेमेंट मिलेगा। अरे इस लड़की की पूरी मेहनत का पैसा दो, समझे, वरना तुम्हारा पूरा पगार इसको दे दूंगा। ठीक है अजीम भाई? सर खुश हो बेटा? हाँ। अब जल्दी से कपड़े पहन लो और अच्छा शॉट दो। इधर आ। गुरुजी ये स्टंटमैन एसोसिएशन को प्रॉब्लम क्या है लड़की लोगों को कार्ड देने में? नहीं हमारे यहाँ फाइटर लोग, हेयर मेकअप दीदी, डांस वाली जूनियर आर्टिस्टों के पीछे लगे रहते हैं। आप समझाओ ना, अगर हमारे एसोसिएशन में लड़के आ गई तो अच्छा है ना, लाइन मारने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पर तू लड़की है कहाँ? तैयार होके आ जा। जो बगावत की ना वो रंग लाई, इन मर्दों की दुनिया में आज तूने नाम बना ही लिया। क्या रो रही है बेटा, इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते? तूने आने में कितना टेम लगा दिया। टेम लगा लेकिन आया ना बेटा। तेरे को पता है आज तू इंडिया की सबसे पहली और स्टंटमैन बन गई है। अभी डरने का नहीं, बिंदास काम करने का, पैसा कमाने का। बेटा तेरे को उस जगह पे पहुंचना है जहां पे कोई तेरे को हिला ना सके। अभी देखना इंडस्ट्री में तेरा बोलबाला होने वाला है, बड़े बड़े डायरेक्टर लोग आएंगे तेरे साथ काम करने, ये मैं लिख के देता है। आज तेरा दिन है बेटा, जा खुश रह। जी गुरुजी। जा मुबारक हो बेटा, आखिर में मिलेंगे। कैसे हैं? कांग्रेचुलेशंस रेशमा। मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं देखिए, यहाँ मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा, यहाँ मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है। वैसे भी उस दिन के बाद से मैं आपसे बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन अब खुदा ने आपको इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है तो मैंने सोचा कि शकुर मियाँ इतना डरो मत, थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर मुबारकबाद दे ही दो। अच्छा किया ना। तो ये कार्ड मिलने की खुशी में आप मुझे चाय पिला रही हैं या मैं आपको चाय पिलाऊं? चलिए मैं ही पिला देता हूं। हटो हटो आइए।
ये लीजिए, आराम से गर्म है। उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपको, आपको समझने में मेरी गलती हो गई। अरे इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है मैडम, चलता है। मैडम लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? लोग जब आपके बारे में सुनेंगे ना तो इज्जत करेंगे आपकी, मिसाल देंगे आपकी। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? रेशमा आपने उस सोच को आंखें दिखाई हैं जिसका मानना बस यह है कि औरत की जगह सिर्फ घर में होती है, घर की रसोई में होती है, उसे मर्दों के काम करने का कोई हक नहीं है। आप में बहुत हिम्मत है रेशमा, और हिम्मत वालों को दुनिया सलाम करती है। क्या हुआ, क्या सोचने लग गई आप? अब्बा कहते हैं कि रेशमा को समझना बहुत मुश्किल है। उनसे कहिएगा कि वो आपको मेरी नजरों से देखे। अरे अबे यार, और कितना देर बैठेंगे? आज नहीं लगता तेरा कबूतर आएगा। पिछले 2-3 बार से गुटरगू नहीं हो पाया, आज आने तो दो, मूड बहुत है, आज करके ही रहूंगा। और अगर नहीं मानी तो? अरे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने वाली लड़की है, मना नहीं करेगी। वो देख आ गई। क्या रेशमा, कैसी है तू? वो क्या है ना, आजकल तो बड़ी फजर की नमाज के पहले निकलती है और ईशा की नमाज के बाद लौटती है। बता ना कहाँ जाती है, कहाँ से लौटती है, बोलना। क्यों रे, क्यों पूछ रहे लाए? क्या है, एक रात तू मेरे साथ भी गुजारना। साले हलकट, पिए ला ना। पहले भी असलम बदतमीजी करता था, लेकिन आज तो हद ही हो गई। अपन ने भी उठा कर रख दिया एक चमाट साला। ए साली छिंडाल, बाहर निकल, मुझे मारेगी तू? तेरा इस चोल में रहना भारी कर दूंगा साली छिंडाल, बाहर निकल। साली खुद धंधा करती है, मेरे दोस्त को गाली देती है। अरे छतिया खा बैठा है, निकलना। आज तो असलम की खैर नहीं साले। रेशमा बाहर मत जा, छोड़ दे। ये साले बहुत छाने बनते हैं ना, आज तक अपन ने खुद की हड्डी तोड़ी है, लेकिन दूसरों की भी हड्डी तोड़ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अम्मी हट जा। नहीं आपा, हट नहीं आपा, हट आपा। रेशमा हराम खोर, साला तू मेरे को बताएगा कि मैं धंधा करती है? साला खुद चरस बेचता है और मुझ पे कीचड़ उछलता है। Yeah.
अरे खड़ा रहे ठीक से यारे कुतरिया, एक रात हवालात में रहेगा ना सारी हेकड़ी निकल आएगी तेरी। साहब गलत आदमी को पकड़ रहे हो, उसको पकड़ो ना जो धंधा करती है। असलम क्या बोल रहा है तू, अल्लाह का खौफ कर। साहब साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब, ये सब क्या बोल रहे हैं, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। अरे साहब झूठ बोलती है, ये सामने खड़ी है पूछो इससे। हाँ साहब करता है, मैं धंधा अपन स्टंटमैन हूँ, स्टंटमैन का धंधा करता है, अपनी जान पर खेलकर कमाता हूँ साहब, इज्जत नहीं बेचता। अगर इसे आप धंधा कहते हो ना साहब तो ठीक है, फिर अपन धंधा ही करता है। ये जो बड़े बड़े फिल्मों के हीरो लोगों को देखते हो ना साहब, उनका स्टंट अपन ने किया है सर, अपन ने। ए, चलो मोबाइल लोग। अरे चल, ए, चल, 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 लड़की से झगड़ा करता है, चल। देखो आयशा, ये शरीफों का मोहल्ला है, आज तक यहाँ पर कभी पुलिस नहीं आई, कर दिया ना मोहल्ले का नाम खराब। अरे रात रात भर तो बाहर रहती है, क्या पता धंधा भी करती है। ए, खाला तेरे उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो चल रेशमा, चल घर चल। देख लिया ना आज तूने, आज तूने मोहल्ले वालों को चुप करा दिया, लेकिन जमाने का मुंह कैसे बंद करेगी तू? अगली बार तेरे पे कोई उंगली उठाएगा तो अपना स्टंट वाला कार्ड दिखाएगी उन्हें चुप कराने के लिए। जिस काम में इतनी बेइज्जती हो बेटा वो मत कर, छोड़ दे, छोड़ दे ये फिल्म लाइन। अम्मी अम्मी अपनी जगह सही थी, इज्जत जरूरी होती है, पर इज्जत के बहुत से रूप होते हैं। फिल्म लाइन में अपनी इज्जत कम है क्या? अब तो यही चपनी दुनिया है, यही सुबह यही शाम, यही करना है काम और यही कमाना है नाम। सर मैं कैमरे पे था, क्या पलटा था तांगा सर, मुझे ऐसा लगा अब नहीं बचेगी छोकरी। आपने बुलाया सर? हाँ अजिम आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, वो एक्शन सीक्वेंस अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, अब तांगे को एक ही पहिए पर दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन वो शॉट लिए कैसे जाएंगे? बाकी तो मैं एडिट में संभाल लूंगा, पर ये तुम्हें देखना होगा। आई एम सॉरी मुझे ये बोलना पड़ रहा है, पर कोई और लड़की नहीं है क्या जो इस एक्शन सीक्वेंस को पूरा कर पाए? सच पूछूं तो रेशमा के अलावा ये स्टंट कोई और नहीं कर सकता सर। अरे सर मैं कर लेता हूँ ना सर, पहले भी मैं हीरोइनों की स्टंट करता था ना सर। बैल हो तुम, या बैल हो तुम, 10 साल से कोई स्टंट नहीं किया, तुम स्टंट कर लोगे? अरे स्टंट कोऑर्डिनेटर वही रहो। साजिद तुम क्या प्रॉब्लम है तुमको रेशमा से, मान क्यों नहीं लेते कि वो भी एक अच्छी स्टंट गर्ल है? सर मुझे एक बार उससे बात करने दीजिए, एक बार। जो दवा बताई yes, वो दे देना, ठीक है बेटा? हाँ, ओके ठीक है। हिल, अरे हिल ना, अबे
तेरे को हिलना ही पड़ेगा। हाँ, तू रेशमा के हिम्मत को नहीं तोड़ सकता। देख, अपन तेरे को लास्ट चांस दे रहे हैं, हिल वरना काट डालेगा। हाँ, साला काटने के नाम से डर गया। हाँ, एड़ी, मुझे लगा तू दर्द में चिल्ला रही होंगी, तू यहाँ दांत निकाल रही है। अरे कुछ नहीं गुरुजी, अपन पैरों को धमकी दे रहा था कि काट डालेगा, डर के लाइन पे आ गए, दोनों बच गए साले। गुरुजी, वो डायरेक्टर साहब ने क्या बोला, कितनी देर में शॉट ले रहे हैं? तू पागल है क्या? डॉक्टर ने तेरे को हिलने से मना किया है ना? जैनब की शादी है गुरुजी, पैसा तो चाहिए ना? वो सब मेरे को कुछ समझने का नहीं है। डॉक्टर ने तेरे को एक महीना बेड रेस्ट करने को कहा है। गुरुजी, मैं एक महीना घर पे बैठ गई तो शादी रुक जाएगी? शादी नहीं रोक सकते। अरे? आप डायरेक्टर साहब से बात करो ना। तू एड़ी है क्या? उनसे घोड़ा रोकने के लिए लगाम खींचना पड़ता है, पाँव में जोर पड़ेगा, टाके फट जाएंगे, जख्म हरा हो जाएगा। तेरे को जिंदगी भर घर पे बैठना है क्या? वैसा कभी नहीं होगा गुरुजी। रेशमा को बिस्तर से बांधकर कोई नहीं रख सकता। देखो ना गुरुजी, पैरों को कैसे 2 मिनटों में ठीक कर दिया। शूटिंग से पहले जख्म भी भर जाएगा। दूसरों के लिए बहुत खून बहाया है गुरुजी, अपनी बहन के लिए थोड़ा खून और निकल जाए तो कोई वांदा नहीं, अगर टांके टूट गए तो जुड़ जाएंगे। लेकिन मेरी बहन का रिश्ता टूट गया ना, तो फिर नहीं जुड़ पाएगा। ये पट्टी खोलने का टाइम आ गया। जी मास्टर जी। ये सुन, सब ठीक है ना? जी ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं मांगता है? जी। ये तांगा एक पहिए पे भागने वाला है, समझा? एक टेक में शॉट होके होना चाहिए, अगर कोई गड़बड़ हुआ ना तो घोड़े की टांग के साथ बांध के भगाएगा तेरे को, समझा? जी मास्टर जी। क्या हुआ अजीम मास्टर, आपको इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा। इससे बड़ा रेस भी नहीं लिया ना कभी, अगर कोई गड़बड़ हुआ तो अपना तो कुछ जाएंगे नहीं, वो बेचारी रेशमा जिंदगी भर घर पे बैठ जाएंगी। जा रेशमा को लेके आ। ये भी सीन बहुत क्रुशियल है। जी सर। पहला घोड़ा आगे है, 3 घोड़े उसके पीछे हैं। जी सर। लेकिन जब तक वो आएंगे ना तब। सर रेशमा आ गई। कमाल है रेशमा, आ गई तू, लेकिन आगे जाके तकलीफ होगी तुझे। सर ने तो बोला था कि घर चली जा, पैसा दे देंगे, पर इसका गुरूर देखो, रेशमा इस दिखावे के चक्कर में ना बंद पड़ जाएगी तू घड़ी की तरह। कितना बकबक करता है। और इस बार अगर बैलेंस गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बकवास बंद कर। बहुत दर्द हो रहा है, कर लेगी ना?
जी गुरुजी। लव यू बेटा। बोल कर लेगी। आने वाला सर वो वाला घोड़ा आगे चलेगा, तीन पीछे चलेंगे। ठीक है, आगे का मार्क वहां है। ओके। सर शॉट रेडी है। कर लेगी ना? हाँ सर। पक्का? जी। चलो आ गया ना? हाँ। एक्शन बहुत कमाल का था। और बच्चन साहब ने क्या काम किया, पूरी पब्लिक रो रही थी। तुम्हें कौन सा सीन अच्छा लगा? मेरा सीन देखा नहीं? मेरी नजरें तो तुम पर ही थी। और वो तांगे वाला सीन कितना डेंजरस था ना भाई? है भाई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए यार।
भाई हेमा मालिनी है, वो कुछ भी कर सकती है। देखा नहीं था कैसे कूदी मार रही थी, टांगा ही पलट दिया था उसने भाई, मजा आ गया भाई। क्या हुआ? सारा स्टंट मैं करूं पर नाम किसी और का हो, क्या जिंदगी है। अरे तुम्हारा वक्त भी आएगा। ये तारे देख रही हो? दिन में ये सब दिखाई नहीं देते लेकिन रात होते ही इनका वक्त आ जाता है और पूरी दुनिया इन्हें देखती है। आज तुम्हें कोई नहीं जानता है, कल तुम्हें सारी दुनिया पहचानेगी। बोलेंगे वो देखो रेशमा, शोले की असली हीरोइन। फिर मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ लूंगा। चले इसलिए पिक्चर का भी, आइसक्रीम का भी और यहां तक पहुंचाने का भी। बस करो, सारे शुक्रिया आज ही अदा कर दोगी, आगे के लिए भी कुछ बचा कर रखो। चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। रखेंगे, जरूर रखेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जनाब तू कब आई? अली मियां नहीं आए? कौन था वो लड़का? अरे बताना कब आई। हाँ कैसी है बोल। तू वो सब छोड़, तू बता कौन था वो लड़का, कौन था जो तेरे को फटफटिया पर बैठा कर इधर लाया? क्या नाम है उसका? अरे वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ काम करता है, शकुर नाम है उसका। आगे भी तो बोल। अरे क्या बोल रही है, क्या बोलूं? अब बना मैं तापा। निकाह कर ले। जैनब अभी निकाह के लिए टाइम नहीं है। तूने मेरा निकाह ऐसे धूमधाम से किया कि अभी भी लोग बोलते हैं कि बहन हो तो रेशमा जैसी। मेरा घर तो बसा दिया तूने लेकिन अब तेरी बारी है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं करूंगी तेरे लिए सब कुछ, बस तू हाँ कह दे। जनाब ये हाथ घोड़े का लगाम पकड़ने के लिए है, इसके लिए चूड़ियां भी बनी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं बनाऊंगी अपने आपा के लिए चूड़ियां। अच्छा हाँ आ जा। कितनी बड़ी हो गई रे। शकुर। जी सर। चलो अब स्टंट करते हैं। रेशमा चलो। हाँ
दादा यस सर जो झूमर वाला शॉट है ना यस सर एकदम फॉरवर्ड शॉट ठीक है यस सर सर ये रेशमा स्टंट यही करेगी आपके साथ ये बेस्ट है सर सर स्टंट ऐसा होगा मेरा फाइटर वहां से आएगा आप रेशमा को यहाँ यहाँ कमर से पकड़ेंगे और वहां झूमर की तरफ फेंक देंगे रेशमा जैसे ही तुम्हें ये झूमर की तरफ फेंके तो झूमर से लटक जाना ठीक है ठीक है सर एक रिहर्सल कर सकते हैं रेशमा ठीक जम के चलो रेडी इसके बाद में सर हाँ शुक्र वो शॉट समझा दिया तो अभी वो रिहर्सल जी सर 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 हाथ हटाइए ना सर मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है सर प्लीज अपना हाथ संभालिए ना सर सर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सर क्या अच्छा नहीं लग रहा है लोग तरसते हैं इसके लिए बाप रे गुस्सा Autograph, please. Thank you. Sir, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. आपकी बहुत इज्जत करती हूँ. क्यों अपनी इज्जत का कचड़ा कर रहे हो साहब काम करने आए हैं काम करते हैं गाड़ी निकालो सर क्या हुआ हटिए सर हटो सर हुआ क्या सर बात तो सुनिए मेरी सर सर साला समझ सके अपने आप को बाप का मौला है अपना हीरो तो निकल गया पैकअप करके चाय पियोगी वैसे ये जो कुछ भी हुआ ना तुमने बहुत अच्छे से संभाल लिया अगर मैं होता ना उल्टे हाथ का एक रसीद कर देता लगभग साल ऐसे ही लोग मिलते हैं हमारे इंडस्ट्री में नहीं रेशमा ऐसी बात नहीं है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औरत की इज्जत करना जानते हैं और अगर ऐसे लोग मिले ना उन्हें छोड़ते नहीं है रेशमा एक बात बोलूं बोलो ना निकाह कर लो मुझसे मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा तुमको मालूम है ना मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है पूरा घर मैं ही संभालती है मैं स्टंट करना नहीं छोड़ सकती रेशमा मैं तुम्हें काम छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा तुम स्टंट करती रहना काम करती रहना शकूर तुमसे वादा करता है जिंदगी के इस स्टंट में मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा बोलो करोगी निकाह मुझसे करूंगी रेशमा ने आज तक किसी भी स्टंट के लिए मना नहीं किया है एक चाय दे शक्कर ज्यादा रखना
रेशमा आ गई। अरे रेशमा बाहर क्यों खड़ी है, चल आ अंदर आ, चल। अपनी मेहनत करने के बाद, अपनी जान पर खेल कर काम करने के बाद जब कभी आप पब्लिक के साथ बैठकर फिल्म देखती हैं और आपके स्टंट पे हीरोइनों के लिए तालियां बजती हैं, तो आपके दिल पे क्या बीतती है? अच्छा तो नहीं लगता तबस्सुम जी, पर ये सोच के तसल्ली कर लेती हूँ कि ये जो तालियां बज रही हैं वो मेरे लिए ही बज रही हैं। पता है रेशमा, टीवी पर आकर तुमने हमारे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। बहुत खूब, सही में गलती हो गई रे हीरा पहचानने में। आ बेटा अंदर आ। पर रेशमा कभी ऐसा हुआ है कि स्टंट करते करते आपकी जान पर बनाई हो? जान पर तो बहुत बार बनाई, लेकिन एक वाकया भूले नहीं भूलता। एक बड़े डायरेक्टर साहब हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, हुआ ऐसा कि शॉट के दौरान ट्रक को रुकना था पर वो रुका नहीं। उस दिन के बाद मैंने उन डायरेक्टर साहब के साथ कभी काम नहीं किया। 6 महीने मुझे घर पर बैठना पड़ा, लेकिन एक बात की खुशी मुझे हमेशा रहेगी, गिरते गिरते भी शॉट बचा लिया मैंने, अपना चेहरा नहीं दिखने दिया। अपनी काबिलियत पर भरोसा कर ले, इतने बड़े डायरेक्टर को जवाब देकर आना ये कोई आम इंसान के बस की बात नहीं। वाकई में रेशमा आप फाइटर हो। रेशमा जिस मुकाम पे आप हो, आप अपनी जिंदगी में और भी कुछ करना चाहते हो? जी हाँ, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, उनके सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ और उन्हें एक इज्जतदार जिंदगी देना चाहती हूँ। रेशमा जी बहुत प्यारा दिल है आपका और सोच भी। एक आखिरी सवाल, निकाह के बारे में कभी सोचा है आपने? आपके सवाल से मुझे अम्मी की एक बात याद आ गई, वो कहती हैं कि मस्ती मत कर, सुधर जा, नहीं तो तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन मैंने मस्ती करना नहीं छोड़ा। आज मुझे लगता है कि जो मैंने किया वो सही किया। जिम्मेदारियां बहुत हैं, शादी कर लूंगी तो घर का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगी, मुझे बस काम करना है। मैंने अब तक शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। दादी, अपनी बिग दादी कितनी अलग दिख रही है ना। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो ताकि हम फिर से आपको यहाँ। बिग दादी जान, आप फिर टीवी पे कब दिखोगी? जब तू हीरो बनेगा ना, तेरी हीरोइन का रोल मैं करूंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मैं शेट्टी बात कर रहा हूँ, नई फिल्म बना रहा हूँ, उसमें आपके लिए काम था। बहुत दिनों बाद याद किया बेटा, बोल इसमें क्या स्टंट करवाएगा मुझसे? स्टंट नहीं है आपा, इस बार अपनी नई फिल्म में आपके लिए छोटा सा रोल है। रोल? दुनिया में तो सभी आते हैं और चले जाते हैं, मगर बात तो तब है जब आने वाले वक्त की मिट्टी पर अपने पैरों के निशान छोड़ कर जाए। अपन ने भी हमेशा यही कोशिश की अपने लिए एक ऐसा नाम कमाने की जिसकी लोग मिसाल दें, उसे याद रखें और सोचें कि वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने आप को छोकरा समझती थी और जो चाहती थी वो हासिल करती थी। अपन की कोशिश अभी भी चालू है, अपन हौसला बांध कर उड़ने की कोशिश कर रहे लाए, जिद करके जीने की कोशिश कर रहे लाए। अपनी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अपनी पिक्चर अभी बाकी है। आज तू मरेगा वास्तु रेड्डी।
कहते हैं उम्मीद एक परछाई है जो कभी इंसान का साथ नहीं छोड़ती, मगर अंधेरों में रहने वालों की परछाई नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद के बल पर जिंदा रहते हैं। वो जिद जो जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें पैर जमीन पर होते हैं मगर आंखें आसमान के तारों पर होती हैं।